बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मखदूम अमीर हैदर हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाशमी आर्गेनिक फार्मिंग। व्यूवर्स, वैसे तो मालिक कायनात ने ये सारी कायनात ही खूबसूरत बनाई है, लेकिन फिर भी इस कायनात को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए खूबसूरत परिंदों और जानदारों के जोड़े बनाए हैं। आज हम इन खूबसूरत परिंदों में से कुछ परिंदे आपको दिखाएँगे। आप इस वीडियो में मोर, चकोर, कबूतर, टर्की बर्ड्स के अलावा कूंजें भी देखेंगे। साथियों, कूंज कायनात का एक खूबसूरत और मासूम परिंदा है। ये बहुत ही मासूम परिंदा है और दोस्तों, ये मासूम होने के अलावा परदेसी परिंदा भी है। अजीज साथियों, ये परिंदा सर्दियों के आगाज़ में बहुत दूर दराज के गैर ममालिक जिनमें साइबेरिया की खूबसूरत झीलें भी शामिल हैं, उनसे हिजरत करके पाकिस्तान और हिंदुस्तान के इलाकों में सफ़र करता है। तो साथियों, ये परिंदा हिजरत के दौरान ही अक्सर शिकार हो जाता है और बच जाने वाले परिंदे फिर मौसम गर्मा के शुरू होने से पहले वापस अपने अपने देशों में चले जाते हैं और फिर वहाँ ये बर्फ़ानी झीलों में मौज मस्तियाँ करते हैं और अपनी अफजाइश नस्ल करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस वीडियो में आप मोर भी देख सकते हैं और ये परिंदा भी अपनी कई अकसाम रखता है और इसके बहुत खूबसूरत रंग होते हैं। कूंज और मोर के अलावा आप दोस्त इस वीडियो में टर्की बर्ड भी देख रहे होंगे, ये भी एक खूबसूरत परिंदा है। और इसके बाद आप गैनाफोल, जिसको चीनी मुर्गी या फिर चकोर का नाम भी दिया गया है और अक्सर दोस्त इसको चकोर के नाम से ही याद करते हैं और बुलाते हैं। दोस्तों, ये भी एक खूबसूरत परिंदा है। ये परिंदा जिस घर में हो उस घर वालों को चौकीदार रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये किसी गैर मानूस बंदे की आमद पर बहुत शोर करता है। और इसके बाद आप खूबसूरत कबूतर भी देखेंगे। इन कबूतरों की बहुत सी खूबसूरत इकसाम हैं, लेकिन वीडियो में जो कबूतर आप देख रहे हैं ये खूबसूरत और नायाब नस्ल के कबूतर हैं। बहरहाल दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और अगर आप दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और आखिर में एक रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, वीडियो को मुकम्मल देखा करें और दुआ है कि अल्लाह आप सबका निगहबान हो। आमीन। अल्लाह हाफिज़।